अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। अच्छा जी, आज आप लोग सोच रहे होंगे ये मैंने सेल की वीडियो अपलोड करते करते आज ये मैंने कहाँ पहुँच गई हूँ। तो जी आज मैं मौजूद हूँ लक्की वन मॉल में ही, लेकिन ये मेरी नज़र पड़ी आज लैमलाइट के स्टोर पे। मैं जा रही थी तो रास्ते में मुझे ना यहाँ पे खूबसूरत सा ये ज्वेलरी का स्टॉल नज़र आया है। ये दूर से मैं इनको कवर कर लेती हूँ, देख लें भाई। ये जो है ना लक्की वन सेकंड फ्लोर पे आपको ये स्टॉल मिलेगा इनका। ये यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह सब चीज़ें बहुत अच्छी और रिजनेबल प्राइसेस में ये आपको दे रहे हैं। सब चीज़ें मैं वन बाय वन करके दिखाने वाली हूँ कि भाई क्या चीज़ें हैं और क्या क्या नहीं है। प्राइसेस भी मैं रैंडमली आपको बता दूंगी, क्योंकि कुछ चीज़ों के प्राइसेस मैंने इनसे पूछ रखे हैं और अभी ये थोड़े से बिज़ी हैं, तो अच्छा नहीं लगता इनको हर बात पर थोड़ा सा मैं डिस्टर्बेंस करूँ, एक एक चीज़ के प्राइसेस पूछूँ। लेकिन ये कि आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए, आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पे कितने की चीज़ मिल रही है, तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ों के प्राइजेस पहले से पूछ रखे हैं। जैसे कि ये आप ये देख सकते हैं ना, ज्वेलरी का सेट है। इसमें आपको ये टॉप्स मिल रहे हैं और ये खूबसूरत सयारी, देखो कितना प्यारा सा नेकलेस है यहाँ पर, कितना प्यारा लग रहा है और हल्का फुल्का भी नहीं है, अच्छा है, वेट है, वेट है जी इसका। और इन्होंने मुझे बोला है कि ये 1600 की रेंज का आपको ये दे देंगे, और बाकी आपकी बार्गेनिंग मैटर स्किल करती है, कितनी अच्छी है भाई आपकी स्किल। बाकी इनसे आप जितना चाहें कम करवा लें, लेकिन ये कि इन्होंने तो मुझे 1600 की रेंज में ये बोला है। इसके साथ आपको ये टॉप्स भी मिल रहे हैं और साथ में ये भी मिल रहा है, ये नेकलेस भी है। बाकी और भी बहुत सारे लगे हुए हैं, यहाँ से तो मेरा हाथ भी नहीं जा रहा वहाँ तक। बाकी ये बड़ी सी एक माला लगी हुई है और इस पर कुछ बना हुआ है, इस पर क्या बना हुआ है, कुछ कुछ बग्गी या डोली टाइप की कुछ बना हुआ है, लेकिन ये क्या खूबसूरत लग रहा है। सारी आपको यहाँ पे एंटिक ज्वेलरी ना यहाँ पे बहुत अच्छी मिल जाएंगी, एंटिक ज्वेलरी की तो भाई भरमार है। और आज फर्स्ट टाइम मैं रुकी हूँ, क्योंकि मैं तो बस सीधी सीधी दूसरी तरफ चली जाती हूँ, लेकिन यहाँ पर आज मैं रुकी हूँ तो ये अच्छी लगी मुझे चीज़ें, तो मैंने सोचा चलें आपको भी कवर करके दिखाई जाएँ। अच्छा, ये सब चीज़ें तो हम देखते रहते हैं, चूड़ियाँ हो गई, कड़े वगैरह हो गए, बाकी ये देखें। अच्छा, एक चीज़ मुझे इनकी ये बहुत अच्छी लगी, ये देखो ये वाली एयर रिंग्स है ना, ये तो मुझे लेनी है और मैं शाम को आके ले भी लूँगी, क्योंकि अभी तो मेरा काम वर्किंग का है। इन्होंने मुझे जो इसकी प्राइजेस बताई हैं ना, ये इन्होंने मुझे बोली हैं 1600 की रेंज में ये दे देंगे मुझे। यकीन करो इसका वेट भी इतना अच्छा है, पूरी एंटीक ज्वेलरी के तौर पर ये बनाई गई है। और मैंने ये हैदरी पे पूछी थी यही वाली इयर रिंग्स, तो उन्होंने मुझे मौसूक ने उन्होंने मुझे 2500 की रेंज की मुझे ये बताई थी, तो मैं तो वो भी लेने के लिए एग्री हो गई थी कि चले 2500 की हैं, अच्छी लग रही हैं, क्योंकि मुझे चाहिए थी इस तरह की भाई। और यहाँ पे मुझे ये 1600 की मिल रही हैं, बाकी वीडियो के दौरान मैं खुद ही कमी पेशी करवा लूँगी इनसे। एक ये हो गई और यहाँ पर ये सब लगे। अच्छा जी, ये देखो ये एक चीज़ ही कितनी प्यारी है, मैं ज़रा मिरर बंद कर दूँ, पता चला मैं ही आ रही हूँ मिरर के अंदर, ठीक है। ये इतने खूबसूरत वॉल हैंगिंग, आपका ये डेकोरेशन पीस भी है और आपका ये मिरर भी बन जाएगा, बेहतरीन किस्म का बहुत ही खूबसूरत पीस है। अभी जो मैंने इनकी प्राइस पूछी है तो उन्होंने मुझे 2200 की रेंज का ये बोला है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का मेटल, और ये ओपन भी होता है भाई, इस तरह ओपन होता है और बीच में इसके मिरर है, ठीक है, ये मिरर है इसके बीच में, और मिरर भी अच्छा वाला है। ये साइज़ में आपको ये मिलेगा, इसको आप वॉल हैंगिंग कर सकते हैं, एज़ अ मिरर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, अच्छा खूबसूरत आर्टिकल है। बाकी यहाँ पे एंटीक पीस का ज्वेलरी सेट भी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक, कॉइन्स लगे हुए हैं भाई यहाँ पर, और ये इनका कहना है कि ये ओरिजिनल कॉइन्स हैं, वेट भी अच्छा है और ये भी बड़े प्यारा सा ग्लूबन टाइप का। बाकी चूड़ियाँ वगैरह हैं, चूड़ियों की प्राइस मैं पूछती हूँ। अच्छा, ये इसकी प्राइस मुझे बताएंगे, इसकी 2 पेयर्स मुझे ये 550 के बताएं। वो यार यहाँ लक्की वन मॉल में भी इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी इतनी गर्मी में हैदरी के चक्कर लगाने की, हैदरी या लोकल मार्केट्स के चक्कर लगाने की ज्वेलरी वगैरह के लिए, वहाँ तो इससे भी ज़्यादा दिमाग ख़राब है भाई लोगों के। बस अब क्या बताऊँ, एक तो उनका लहजा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा आपसे, अगर आपको कुछ नहीं लेना तो पीछे से आप 10 बातें सुनने के लिए भी तैयार भी रहें कि आपने उनका टाइम भी ज़ाया करवाया है। लेकिन यहाँ पे एक सुकून में अच्छे अच्छे माहौल में आपकी शॉपिंग भी डन हो जाएगी, ड्रेसेस भी आप परचेज़ करें और साथ में अपनी यहाँ की चीज़ें भी यहीं से लेके चले जाएँ भाई। थोड़ी सी जगह बना के मैं आगे जा रही हूँ, ये देख
ये निकाल के दिखाती हूँ मैं, ये कान के इयर रिंग्स कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखो ठीक है, कितने खूबसूरत इयर रिंग्स लग रहे हैं। इनकी प्राइस बताइएगा भाई। ठीक है, ये 16 किसमें है? ऑक्सीडाइज इंडियन ज्वेलरी है भाई, ऑक्सीडाइज है, और ये 1650 बोली है इसकी प्राइस। और बाकी ये छोटी छोटी सी यहाँ पे बहुत सारी ये झुमकियाँ लगी हुई हैं। चलो ये अच्छा हो गया, मैं इसको ज़रा हल्के हल्के से रोल करके आपको दिखा देती हूँ। यार ऐसा नहीं है कि ये वाली ज्वेलरी कहीं मार्केट वगैरह में नहीं मिलती, रोकर मार्केट में मिलती हैं, क्यों नहीं मिलती भाई, हर जगह मिल रही हैं इस तरह की ज्वेलरीज। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे ना अच्छे अच्छे माहौल में आपकी शॉपिंग भी हो जाए, क्योंकि लक्की वन मॉल जो है यहाँ पे ज़्यादातर लोग सेल की शॉपिंग ही करने आ रहे होते हैं, ब्रांड्स की शॉपिंग करने आ रहे होते हैं, फिर उसके साथ की चीज़ें भी लेनी है, मैचिंग इयर रिंग्स हो गई, कुछ भी हो गई, बैंगल्स वगैरह, रिंग्स वगैरह, तो आप इधर उधर जाने से बेहतर है कि यार इधर ही आ जाओ, उन्हीं प्राइजेस में मिल रहा है आपको। और ये कितनी प्यारी लग रही है, छोटी छोटी झुमकियाँ सब लगी। अच्छा ये वाली बहुत प्यारी है, अलग से इन्होंने सेक्शन बनाया, इन पे मोर पंख बना हुआ है सभी पे। आगे जो है इसमें इसमें 450 से 750 तक के इनमें जी, बाकी जितने भी लगे 450 से 750 की रेंज की ये लगी है। 250 वाले भी छोटे छोटे इनमें जी, नीचे छोटे छोटे लगे हैं, छोटे छोटे कौन से, ये सब मिनी से ये वाली जी। ठीक है, कितनी अच्छी लग रही है। ये देखें भाई, अफगानी स्टाइल की यहाँ पे ज्वेलरी है जो बहुत ही कम कहीं मिल रही होती है, बिल्कुल ओरिजिनल है, इसका वेट भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी लगा दिया इन्होंने, नहीं ओरिजिनल ज्वेलरीज हैं भाई सारी। 750 की रेंज में ये बोल रहे हैं, बाकी ये लगी हुई है सारी, ये भी बहुत प्यारी लग रही है। यार रेट की बात करूँ ना तो सही सी बात ये है कि हर जगह यही रेट मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि पहले पता मैं इस तरह की शॉप्स में मैं देखती थी, मुझे अच्छी लगती थी चीज़ें, मगर मैं बहुत ही स्पीड से इनके सामने से गुजर जाती थी, क्योंकि मुझे बस दिमाग में ये बैठ गया था कि यार ये तो लक्की वन में ये ज्वेलरी की शॉप लगा के बैठे हैं, तो अल्लाह जाने कहाँ तक जा रहे होंगे, बहुत हाई फाई चीज़ें होंगी, तो इसलिए मैं यहाँ से सीधी सीधी निकल जाती थी, कहीं अगर मुझे कुछ पसंद आ गया तो मसले हो जाएंगे उल्टा मेरे लिए, तो इसलिए मैं देखती ही नहीं थी इसकी तरफ, क्योंकि अट्रैक्ट तो बहुत करती थी मुझे यहाँ पे इनकी ज्वेलरीज वगैरह। लेकिन अभी जब मैंने इनकी प्राइजेस आज मैंने रुक के पूछ ही लिए, तो ये बहुत अच्छी प्राइजेस की रेंज में यहाँ लगी हुई टॉप्स हैं, इस तरह की ये भी है, ये मेरे पास हैं, इस तरह की ये है मेरे पास भी हैं, और ये वाली ना इस तरह की, अच्छा माथा पट्टी जो होती है ना यहाँ पे कश्मीरी स्टाइल में, वो थोड़ी सी जो मरी व इस्लामाबाद में मिल रही होती हैं, और इतनी ख़तरनाक प्राइजेस में मिलती है ना कि यार ये नॉर्दर्न एरिया में कि मत पूछें। ये कितने का कैप है? 1200 का ये कैप है, अच्छा माथा पट्टी भी है, तो ये यहाँ पे ये सब भी मिल जाएगा, माथा पट्टी 1000 की है, और ये वाला तो एरिया कम्प्लीट हो चुका है, मैं आगे जा रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पे ये अहलन व सहलन वॉल हैंगिंग्स भी आपको ये मिल जाएंगे, कितनी के हैं ये वॉल हैंगिंग्स? 1350 के। इनमें कुछ कस्टमाइज भी आती है, नाम वगैरह भी लिखा हुआ होता है इनमें, वो बनाते हैं क्या? अच्छा, और ये जो नीचे जो बॉक्स रखे हुए ये क्या है, ये ज्वेलरी बॉक्स है? जी जी, वो अपना ट्रक आर्ट में ज्वेलरी बॉक्स है, इसे डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसमें। ये भाई खुल, चलो खुल गया, खुल गया, मेटल बॉडी पे बना हुआ है, ये प्लास्टिक पे नहीं है, ट्रक आर्ट पे बना हुआ है। कितने का है ये? 2200 की। कितनी खूबसूरत है ये, पूरी मेटल पे बनी हुई है, ठीक है, और ओरिजिनल ट्रक आर्ट बना हुआ है भाई इस पर, ये सब ये बनी हुई हैं, टिशू बॉक्स है, ये चरपाई वगैरह भी लगी हुई है, रक्षा, ये तबला वगैरह भी बना हुआ है भाई, बजता ही नहीं बजता। इस तरह की ये ब्रेसलेट वगैरह भी आ गए यहाँ पे, ये सब चीज़ें भाई, एंटीक ज्वेलरी भी है, ब्रेसलेट्स भी हैं, रिंग्स हो गई, ये इस तरह की लड़कियाँ आजकल बहुत पसंद पहनना पसंद कर रही हैं, और इसकी तो बहुत ही डिमांड आ रही है भाई इस वाली की, पता नहीं इसमें ऐसा क्या है,
ये कितने का है? 950. ये 950 का है, 2 ducks, और इसमें एक सिंगल डक भी आती है. अच्छा, यहाँ पे ये ब्लाइंड्स लगी हुई हैं, ये आपके डोर ब्लाइंड्स हैं, इसको अपने डोर पे भी लगा सकते हैं बाहर जाए तो. रूम में डेकोरेशन में यहाँ पे रिक्शा वगैरह भी बना हुआ है, और इसके नीचे घंटी लगी हुई है और ये बज भी रही है, सिर्फ शो की नहीं है भाई, बज भी रही है. चलिए, ये इनकी शॉप का कार्ड है, साहिब बहराम ट्रेडिशनल ज्वेलरीज, और ये इसका एड्रेस है. ये सेकंड फ्लोर है, लकी वन मॉल का सेकंड ही फ्लोर है ये, बल्कि ये लेजर क्लब के सामने ही इनकी है, अपोजिट है लेजर क्लब के, और ये है ये साया के स्टोर के सामने ही बैठे हैं. चलिए जी, ये तो हो गई वीडियो, उम्मीद है कि पसंद आई होगी. ऑर्डर अगर ड्रेसेस वगैरह के डन करवा रहे हैं, तो साथ साथ अगर ज्वेलरी भी कुछ पसंद आ रही है तो यहाँ से आप मेरे थ्रू ज्वेलरी भी डन करवा सकते हैं हाथ के हाथ. ठीक है जी, इसी के साथ अब मैं ज़्यादा चाहती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़.